दोस्तों, अगर आप शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर पंजाब के खिलाफ शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी और उनका शानदार छक्का देखकर उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर तो जश्न में डूब गई, और फिर गिल को लेकर दिया दिल जीत लेने वाला बयान तो आखिर कैसे गिल के ऊपर खुलेआम प्यार लुटा बैठी सारा तेंदुलकर, कैसे गिल के छक्के पर सारा तेंदुलकर ने मनाया जश्न, कैसे पंजाब के सामने दिल की बैटिंग कारण खड़ा कर पाया पहाड़ जैसा स्कोर, उनकी बल्लेबाजी के बाद क्या कुछ सारा ने कहा, ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि गुजरात टाइटन में और पंजाब कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल के चैंपियन, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला गुजरात टाइटन और पंजाब किंग के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कहीं ना कहीं यह फैसला पंजाब के लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि गुजरात को शुरुआत शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा ने बेहतरीन अंदाज में दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए, दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन रिद्धिमान साहा 13 गेंद पर 11 रन बनाकर दो चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद शुभमन गिल केन विलियमसन के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी पंजाब के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनके साथ केन विलियमसन भी भरपूर दे रहे थे, लेकिन वो भी टीम के लिए केवल 26 रन बनाकर शानदार चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। मगर अकेले लॉन वॉरियर की तरह शुभमन गिल मैदान पर टिके रहे, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साई सुदर्शन के साथ मिलकर इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते शुभमन गिल ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, पंजाब के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे, बेरहमी से धुनाई किए जा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला घातक अंदाज में बोल रहा था, बेरहमी से कुटाई किए जा रहे थे, अपनी टीम को बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ा रहे थे, और देखते ही देखते उन्होंने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 31 गेंद में ठोक दिया। लेकिन सुदर्शन भी टीम के लिए केवल 33 रन बनाकर 19 गेंद में 6 चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने टूटकर प्रहार किया, पंजाब के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। देखते ही देखते शुभमन गिल अपने शतक के बेहद करीब आ गए, लेकिन वो शतक नहीं लगा सके। टीम के लिए 48 गेंद पर 6 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी चौकों की मदद से 89 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट रहे। उनकी बल्लेबाजी देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। अहमदाबाद के मैदान में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, हर तरफ गिल की चर्चा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2024 पहला अर्धशतक ठोका था। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठी, और फिर उन्होंने दिल पर खुलेआम प्यार लुटाते हुए गिल जीत लेने वाला बयान दिया। तो चलिए अब हम सारा तेंदुलकर के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने दिल को लेकर बयान दिया और क्यों उनका बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। शुभमन गिल की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर ने गिल की बल्लेबाजी देखकर बयान देते हुए कहा है कि मैं गिल की बल्लेबाजी से काफी खुश हूं, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजों की नाराज नजारा उन्हें दिखाया है वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान थी। वो बेरहमी से पंजाब के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, जब वो छक्के लगा रहे थे मैं बेहद खुश हो रही थी। वैसे भी गिल मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है, मैं उनकी बल्लेबाजी देखना बेहद पसंद करती हूँ, मुझे इनका हर एक शॉट बेहद पसंद आता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शुभमन गिल इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहें और अपनी टीम के लिए बड़ी पारी खेलें और इस बार आईपीएल का खिताब भी दिलाएं। मैं उनकी बल्लेबाजी की बहुत बड़ी दीवानी हूँ, इन्हें सपोर्ट करने के लिए मैं मैदान तक जाती हूं। तो दोस्तों, देखा आपने सारा तेंदुलकर के बयान से तो साफ नजर आ रहा है कि वो शुभमन गिल पर पूरा प्यार लुटा बैठी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है गुजरात टाइटन और पंजाब में कौन सी टीम सबसे मजबूत है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।